तो हेलो एवरीवन, और आज की जो वीडियो है इसके अंदर अपन बात करने वाले हैं अपने सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पूरे पैरा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के बारे में। तो देखो, ये वाली वीडियो यार डिले इसलिए हो गई क्योंकि मैंने इसका जो पूरा हैंडमेड चार्ट बनाया था ना इस पूरे सिस्टम का, वो एक्चुअली मुझसे मिस हो गया था, इसलिए ये वीडियो इतनी डिले हो गई। बट आज की वीडियो में मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो सबसे पहले अपन इसका शुरुआत करते हैं बिल्कुल बेसिक से। तो आपको टोटल पता है अपनी बॉडी के अंदर जो नर्वस सिस्टम जो होता है, अपन उसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक इसका होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दूसरा इसका होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब इसके सेंट्रल नर्वस सिस्टम को भी फर्दर अपन दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, इसका ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में, और इसका जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है उसको फर्दर अपन और दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, इसका एक सोमेटिक नर्वस सिस्टम और एक अपना ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम। अब सोमेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो एक्चुअली अपने बॉडी में वॉलेंट्री कंट्रोल में रहता है, मतलब सोमेटिक नर्वस सिस्टम मेनली अपने बॉडी में वॉलेंट्री कंट्रोल में रहता है, और अपना ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम जो होता है वो अपना इनवॉलेंट्री रहता है। अब सोमेटिक नर्वस सिस्टम में जितनी भी अपने स्केलेटन मसल जो है उन मसल को सप्लाई करने वाली जितनी भी अपनी नर्व होती हैं वो मेनली अपनी आती हैं सोमेटिक नर्वस सिस्टम में, जैसे कि अपना सर्वाइकल प्लेक्सस हुआ, ब्रेकियल प्लेक्सस हुआ, लंबर प्लेक्सस हुआ, अपना कॉक्सल प्लेक्सस हुआ, उन सारे प्लेक्सस से जितनी भी अपनी नर्व निकलती हैं वो अपनी आती हैं सोमेटिक नर्वस सिस्टम में, और जितने भी अपने स्मूथ मसल ऑर्गन जो होते हैं वो मेनली अपने इनवॉलेंट्री रहते हैं, और उन सारे स्मूथ मसल और अपने ऑर्गन को सप्लाई करने के लिए जितनी भी अपनी नर्व रहती हैं वो अपनी आती हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में। अब देखो क्या होता है, सोमेटिक नर्वस सिस्टम अपने वॉलेंट्री कंट्रोल में रहता है। अगर मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल दूँ, मान लो कि अभी मुझे क्या मेरे फिंगर से कॉन्ट्रैक्शन करवाना है, क्योंकि मेरी वॉलेंट्री कंट्रोल में है तो मैं इसके कॉन्ट्रैक्शन करवा लूँगा। मुझे इसके क्या फास्ट कॉन्ट्रैक्शन करवाना है तो मैं फास्ट भी करवा सकता हूँ, और अगर स्लो कॉन्ट्रैक्शन करवाना है तो मैं इसका स्लो कॉन्ट्रैक्शन भी करवा सकता हूँ, क्योंकि ये मेरे वॉलेंट्री कंट्रोल में है। लेकिन जो इनवॉलेंट्री जो रहता है वो क्या रहता है, अपने वॉलेंट्री कंट्रोल में नहीं है। तो इसलिए मान लो मैं आपको हार्ट का एग्जाम्पल देता हूँ, जो हार्ट है वो अपना ऑर्गन है, वो भी अपना इनवॉलेंट्री रहता है। तो अपन हार्ट बीट को इंक्रीज करवाने के लिए अपन इस्तेमाल करते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, और हार्ट बीट कम करने के लिए अपन इस्तेमाल करते हैं अपने पैरा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। जैसे कि अपनी कार होती है, अपन कार में क्या, अपन जब एक्सीलेटर दबाते हैं तो कार की स्पीड तेज होती है, और ब्रेक दबाने से अपनी कार की स्पीड कम होती है। सिमिलरली ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का भी यही खेल है। यहाँ पे क्या होता है, अपनी दो नर्व होती हैं, एक बढ़ाने के लिए अलग और घटाने के लिए अलग। और देखो ये सारा ना अपने ऑर्गन लेवल पे ही डिपेंड करता है। जस्ट लाइक हार्ट के लेवल पे क्या होता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम अपनी हार्ट बीट बढ़ाता है, पैरासिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम अपना कम करता है। बट अगर हम सलाइवरी ग्लैंड के लेवल पे बात करें तो पैरासिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है सलाइवरी ग्लैंड का सिक्रेशन करवाता है, और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है अपना इनहिबिट करता है। तो ये क्या अपने ऑर्गन पे डिपेंड करता है कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या कर रहा है। लेकिन मैं आपको एक हार्ट का एग्जांपल से समझाऊंगा ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। जब आप इंडिविजुअल, जब आप फिजियोलॉजी जब पढ़ोगे तो आपको इन इंडिविजुअल नर्व के जो है आपको फंक्शन समझ में आ जाएंगे। तो मैंने आपको सबसे पहले अपने ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम के बारे में बताया कि अपना इनवॉलेंट्री रहता है, और ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम में फर्दर और दो पार्ट में डिवाइड करा है, एक सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और एक पैरासिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। देन अब मैं आपको सबसे पहले इनकी एनाटॉमी बताता हूँ। तो देखो सबसे पहले तुम्हें सोमेटिक नर्वस सिस्टम को समझना पड़ेगा। तो आपको पता है सोमेटिक नर्वस सिस्टम जो होता है वो अपना क्या रहता है, अपने बॉडी के अंदर वॉलेंट्री कंट्रोल में होता है। तो उसके सारे नर्व सबसे पहले अपने आते हैं ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड में, उनको अपन कहते हैं कॉर्टिको स्पाइनल नर्व के ट्रैक, या आप आगे न्यूरो नाट में पढ़ोगे। देन फिर स्पाइनल कॉर्ड से अपने फिर नर्व के ट्रैक डायरेक्टली अपने मसल में चले जाते हैं, और मसल में अपना कॉन्ट्रैक्शन करवाने लगते हैं। तो अपना जो सोमेटिक नर्वस सिस्टम जो है उसके अंदर क्या होता है, डायरेक्ट स्पाइनल सबसे पहले ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड में आए, देन स्पाइनल कॉर्ड से डायरेक्टली इसके अंदर मसल के अंदर जो है अपने नर्व के ट्रैक आ जाते हैं। लेकिन फिर अपन बात करें अपने ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की, देखो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में ऐसा नहीं होता। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में क्या होता है, एक्चुअली में अपना एक गैंग्लियन प्रेजेंट होती है। अब आप बोलोगे सर गैंग्लियन क्या होता है, तो देखो गैंग्लियन का मतलब होता है कि अपना क्लस्टर ऑफ जो अपना नर्व सेल है उसकी बॉडी का क्लस्टर अपने सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बाहर। अगर अपना नर्व सेल की बॉडी जो है ना अपनी बहुत सारी कलेक्ट हो जाती है सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बाहर, उसको अपन बोलते हैं गैंग्लियन। और यहाँ पे जो गैंग्लिया जो रहती है ना, मेनली अपने सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की अलग गैंग्लिया होती हैं और पैरासिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की अलग गैंग्लियन होती हैं। तो एक्चुअली में क्या होता है, मैंने आपको बताया इस तरफ जो है ना सोमेटिक नर्वस सिस्टम जो है, सोमेटिक नर्वस सिस्टम में क्या होता है, अपना सबसे पहले ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड में आए नर्व, देन स्पाइनल कॉर्ड से डायरेक्टली मसल के अंदर नर्व के फाइबर चले जाते हैं। बट अपना जितना भी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो है, मान लो स्मूथ मसल और ऑर्गन्स, तो उनके अंदर क्या होता है, सबसे पहले ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड में अपने आते हैं नर्व, देन स्पाइनल कॉर्ड से सबसे पहले उसकी स्पेसिफिक गैंग्लियन में जाते हैं। मान लो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की गैंग्लियन में जाएंगे, और पैरासिंपैथेटिक है तो पैरासिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की गैंग्लियन में जाएंगे। देन फिर इस गैंग्लियन में वो नर्व सिनेप्स बनाते हैं, देन इस गैंग्लियन से फिर वो सारे नर्व आपके चले जाते हैं अपने पर्टिकुलर ऑर्गन में या फिर स्मूथ मसल में। फिर आप बोलोगे सर गैंग्लियन का फंक्शन क्या है, देखो मेनली गैंग्लियन जो है ना वो अपने नर्व सिग्नल्स को ही, इम्पल्स को ही कोऑर्डिनेट करने का काम करती हैं।
तो यहाँ पे ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम में अपना क्या हुआ, यहाँ पे दो तरीके के नर्व के आपको ट्रैक देखने के लिए मिले। सबसे पहले जो कि अपने स्पाइनल कॉर्ड से गैंग्लियन में आ रहे हैं, मतलब गैंग्लियन के पहले प्रेजेंट है, इसलिए अपन इसको बोलते हैं प्री गैंग्लियोनिक नर्व के फाइबर। फिर अपने गैंग्लियन से सिनेप्स बनाने के बाद जो ऑर्गन तक नर्व जाते हैं उसे अपन बोलते हैं पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व के फाइबर। तो मेनली अपने ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम के अंदर क्या गैंग्लियन प्रेजेंट होते हैं, याद रखना। तो सोमेटिक नर्वस सिस्टम जो है उसके अंदर भी एक्चुअली में अपने गैंग्लियन होती है, उसे अपन बोलते हैं डॉर्सल रूट गैंग्लियन। बट वो जो रहती है ना वो अपने स्पाइनल कॉर्ड के ही डॉर्सल रूट में रहती है, लेकिन यहाँ पे ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम में क्या होता है गैंग्लियन अपने पूरा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड उसके बाहर प्रेजेंट होती है। तो मेनली यहाँ पे अपने ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम में फर्दर आपको दो नर्व दिखाई देती हैं, एक प्री गैंग्लियोनिक नर्व के फाइबर और पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व के फाइबर। और ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम में ऐसा प्री गैंग्लियोनिक पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व का फाइबर का कोई भी कंसेप्ट नहीं होता, डायरेक्टली यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड से नर्व निकलती हैं और अपने मसल को सप्लाई कर देती हैं। देन अब क्या होता है मैं आपको सबसे पहले अपना बताता हूँ अपने कहाँ से अपना पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम अराइज होता है और कहाँ से अपना जो है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम अराइज होता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊँ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कहाँ से अराइज होता है, तो याद रखना अपने स्पाइनल कॉर्ड के T1 से लेकर अपना L2 रीजन तक पूरा अपना जो है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम अराइज होता है। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कहाँ से आता है, अपने स्पाइनल कॉर्ड के T1 से लेकर अपने L2 रीजन तक। फिर अपन बात करें पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, तो देखो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का जो ओरिजिन होता है ना उसका अपन बोलते हैं करेनियो सैक्रल ओरिजिन। मतलब करेनियो मतलब इसका एक ओरिजिन ब्रेन से होगा, ब्रेन स्टेम से, देन सैक्रल मतलब एक इसका रीजन सैक्रल रीजन से होगा। मैं अगर आपको दिखाऊं तो यहाँ पे ब्लू से जितने भी नर्व के ट्रैक दिखा रहे हैं ना ये अपने पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के ट्रैक हैं, और आप देखो इन जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के जो ट्रैक हैं वो अपने ब्रेन स्टेम से अराइज हो रहे हैं, और फिर नीचे की तरफ अपना S2, S3 और S4 इन तीन रीजन से सैक्रम रीजन से अपना फिर नीचे की तरफ यहाँ पे कुछ नर्व अराइज होते हैं। लोकेशन के आधार पर मैंने आपको बता दिया कि अपना पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है करेनियो सैक्रल होता है, और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है T1 से L2 रीजन में इसका ओरिजिन होता है। देन फिर मैं आपको बताऊं आपको क्लियरली यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा अपने पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की गैंग्लियन। तो देखो यहाँ पे एक चीज अच्छे से याद कर लो, जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की जो गैंग्लियन होती है ना वो अपने ऑर्गन के पास में होती हैं। भाई अपन बात करें सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की गैंग्लियन तो वो ऑर्गन के दूर होती हैं। अब आप सबसे पहले अपना आई में देखो, तो आई में क्या हो रहा है जो आई को जो अपने गैंग्लियन सप्लाई करती हैं उसको अपन बोलते हैं सिलेरी गैंग्लियन। तो अब आप देखो जो सिलेरी गैंग्लियन जो है वो अपने आई के बहुत पास में है, तो अपने आई के बहुत पास में सिचुएटेड होती है, तो उसके कारण अपना क्या हुआ जो इसकी प्री गैंग्लियोनिक नर्व के ट्रैक है वो अपने लार्ज होती हैं, और जो पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर जो है जो अपने गैंग्लियन टू आई ले जा रहा है वो नर्व के ट्रैक अपने स्मॉल होते हैं। तो आप ये चीज इस तरीके से याद रख लेना कि अपने पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में इसकी प्री गैंग्लियोनिक नर्व के फाइबर जो रहते हैं ना वो लार्ज रहते हैं एज कंपेयर अपन करें पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व के फाइबर से, ठीक है, पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व के फाइबर से। उसके अलावा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में इसका उल्टा होता है, क्योंकि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में क्या होता है इसकी गैंग्लियन ऑर्गन के दूर प्रेजेंट है, इसलिए इसका पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व के ट्रैक जो है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में वो बड़े होते हैं, और प्री गैंग्लियोनिक आप देखो वो थोड़े छोटे होते हैं। फिर सबसे पहले मैं आपको अपना पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम समझाता हूँ। तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में मैं आपको बताऊँ टोटल इसकी आप देखो चार मोस्ट इंपॉर्टेंट गैंग्लियन होती हैं। एक इसकी सिलेरी गैंग्लियन जो कि आई को सप्लाई करता है, फिर अपनी टेरिकोपैलेटाइन गैंग्लियन जो कि अपने लैक्रिमल ग्लैंड को सप्लाई करता है, इसकी एक सब मैंडिबुलर गैंग्लियन जो कि अपने सब मैक्सिलरी ग्लैंड को सप्लाई करता है, और इसकी एक ओटिक गैंग्लियन जो कि अपने पैरोटिड ग्लैंड को सप्लाई करता है। तो सबसे पहले अपने ब्रेन स्टेम से जो है अपनी थर्ड नर्व जो होती है ना अपनी करेनियल नर्व जिसको हम बोलते हैं ऑक्लोमोटर नर्व, याद रखना अपनी थर्ड करेनियल नर्व जो है अपनी ऑक्लोमोटर नर्व वो अपनी पैरासिम्पैथेटिक नर्व होती है। तो सबसे पहले क्या होता है वो नर्व के फाइबर अपने ब्रेन स्टेम से अराइज करते हैं, और फिर वो अपने चले जाते हैं सिलेरी गैंग्लियन में, और सिलेरी गैंग्लियन से ब्रेन स्टेम के ये फारे नर्व के फाइबर क्या होते हैं इन्हें हम बोलते हैं प्री गैंग्लियोनिक नर्व के फाइबर। देन गैंग्लियन के साथ अपने सिनेप्स बनाएंगे, फिर यहाँ से अपने निकलते हैं पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व के फाइबर, और फिर वो अपने आई को सप्लाई करेगा। सिमिलरली फिर अपने ब्रेन स्टेम से अपना निकलता है सेवंथ करेनियल नर्व, और सेवंथ करेनियल नर्व जो है जिसे अपने फेशियल नर्व भी बोलते हैं वो अपना टेरिकोपैलेटाइन गैंग्लियन और अपना सब मैंडिबुलर गैंग्लियन इन दोनों को सप्लाई करता है। फिर यहाँ से सिनेप्स बनाते हैं और अपने निकलते हैं पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व के फाइबर, और वो सप्लाई अपने करते हैं लैक्रिमल को और अपना सब मैक्सिलरी ग्लैंड को। फिर अपना क्या होता है जो अपनी नाइन्थ करेनियल नर्व जो है जिसे अपन बोलते हैं ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व वो अपना ओटिक गैंग्लियन को अपने देती है प्री गैंग्लियोनिक नर्व के फाइबर। फिर वहां से अपने निकलते हैं पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व के फाइबर, और वो अपना सप्लाई करते हैं पैरोटिड ग्लैंड को। उसके बाद जो अपनी टेंथ करेनियल नर्व जो है जिसको अपन कहते हैं वेगस नर्व, याद रखना वेगस नर्व जो है अपने मोस्ट ऑफ ऑर्गन को प्री गैंग्लियोनिक नर्व के फाइबर देता है,
या आप देखो अपने हार्ट को, लैरिंग्स को, ईसोफेगस को, लिवर को, तो इसका आप देखो जो पोस्ट गैंगलियन नर्व का फाइबर जो है वो काफ़ी अपना लॉन्ग होता है। फिर हमने हार्ट के पास में इसकी आप देखो यहाँ पे गैंगलियन प्रेजेंट है, फिर वो अपने प्री गैंगलियोनिक फाइबर इस गैंगलियन के साथ सिनेप्स बनाएंगे और फिर यहाँ से अपने निकलेगी पोस्ट गैंगलियोनिक फाइबर और फिर वो अपना पूरा हार्ट को सप्लाई करेगा। तो आप इंडिविजुअल इनके फंक्शन जो है नर्व के आप मेनली फिजियोलॉजी में पढ़ोगे, अभी मैं आपको इनकी पूरी एनाटॉमी बता रहा हूँ। देन फिर आ जाता है अपने नीचे की तरफ, तो नीचे की तरफ अपना S2, S3, S4 से अपना निकलते हैं सैक्रल रीजन अपना, तो S2, S3, S4 से अपना पैरासिम्पथेटिक नर्व सिस्टम का सैक्रल वाला रीजन निकलता है और ये सारे नर्व के जो प्री गैंगलियोनिक नर्व के ट्रैक जो हैं वो अपना लार्ज इंटेस्टाइन को, रेक्टम को, किडनी को, ब्लेडर को और जितने भी अपने गोनेट्स होते हैं मेल में टेस्टिस, फीमेल में ओवरी, उन सबको जो है अपना पैरासिम्पथेटिक नर्व का सप्लाई करवाता है। तो पूरा मैंने आपको पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम बता दिया। देन अब मैं आपको बताता हूँ सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम। तो देखो सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि वो T1 से लेकर अपना L2 में इनका ओरिजिन होता है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं इसके गैंगलियंस। तो हमने जो सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम की जो गैंगलियन जो होती है ना, मेनली अपन इनको फर्दर दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक पैरा वर्टिब्रल, दूसरा प्री वर्टिब्रल। अब पैरा वर्टिब्रल का मतलब क्या होता है, अपने जो सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम की जो गैंगलियन जो रहती है ना, कुछ गैंगलियन अपना ये जो वर्टिब्रल कॉलम जो है, अगर यहाँ पे दिखाऊँ ये अपना पूरा वर्टिब्रल कॉलम है, उसके जस्ट बगल में प्रेजेंट होती है एज ए चेन में, जिसे अपन बोलते हैं सिंपथेटिक चेन। तो उन तो सिंपथेटिक चेन के अंदर क्या होता है, अपने सिंपथेटिक सिस्टम की ही गैंगलियन प्रेजेंट होती है और इसको अपन बोलते हैं पैरा वर्टिब्रल सिंपथेटिक गैंगलियन। और उसके अलावा यहाँ पे तीन और गैंगलियन प्रेजेंट होती हैं जो कि अपने सिंपथेटिक चेन के बाहर प्रेजेंट होती हैं, जो कि अपनी है सीलिएक गैंगलियन, अपनी सुप्रामेसेंट्रिक गैंगलियन, जो अपनी सुप्रामेसेंट्रिक आर्टरी रहती है ना उसी के जस्ट नीचे अपनी प्रेजेंट होती है सुपीरियर मेसेंट्रिक गैंगलियन, और एक अपना रहता है यहाँ पे इन्फीरियर मेसेंट्रिक गैंगलियन। तो ये सारे मैंने आपको गैंगलियन बता दिए और ये सारे गैंगलियन और ये तीनों गैंगलियन जो हैं ये अपने सिंपथेटिक चेन के बाहर हैं, इसलिए इन गैंगलियन को अपन बोलते हैं प्री वर्टिब्रल गैंगलियन। तो टोटल मैंने आपको बताया अपने सिंपथेटिक सिस्टम में, टोटल मैंने आपको बताया अपने सिंपथेटिक सिस्टम में जो उसकी गैंगलियन जो रहती है वो अपनी प्रेजेंट होती है सिंपथेटिक चेन में कुछ गैंगलियन, और कुछ गैंगलियन सिंपथेटिक चेन के बाहर प्रेजेंट होती हैं जो कि तीन होती हैं, सीलिएक गैंगलियन, सुपीरियर मेसेंट्रिक गैंगलियन और अपनी इन्फीरियर मेसेंट्रिक गैंगलियन। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखो मैं आपको मेरे लिए हार्ट का एग्जांपल देके समझाता हूँ। यहाँ पे आप ध्यान से देखो अपने हार्ट को किस तरीके से अपना सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम जो है नर्व सप्लाई कर रहा है। तो यहाँ पे अपना क्या होता है, सबसे पहले T1 से लेकर T5 तक अपना क्या हुआ, अब यहाँ पे निकले अपने प्री गैंगलियोनिक फाइबर, T1 से T5 से अपने नर्व के कुछ ट्रैक निकले, वो अपने चले गए सिंपथेटिक चेन में, और सिंपथेटिक चेन में जितनी भी अपनी गैंगलियन प्रेजेंट है उनके साथ उन्होंने सिनेप्स बनाया। देन सिनेप्स बनाने के बाद फिर इन सिंपथेटिक चेन से अपने निकले पोस्ट गैंगलियोनिक नर्व के फाइबर, देन वो पोस्ट गैंगलियोनिक नर्व के फाइबर फिर अपने हार्ट को सप्लाई कर देते हैं। वो मेनली सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम हार्ट के लेवल पे अपना हार्ट बीट बढ़ाता है। सिमिलरली यहाँ पे कोलोसीलिक गैंगलियन में भी आप देखो यहाँ पे अपना C6 से लेकर आप देखो अपना L2 तक सबके सब जो है अपने सीलिएक गैंगलियन को सप्लाई करेंगे प्री गैंगलियोनिक फाइबर, फिर सीलिएक गैंगलियन से अपने निकलते हैं पोस्ट गैंगलियोनिक नर्व के फाइबर जो कि अपने लिवर को, पैनक्रियाज को, स्टोमक को, स्प्लीन को सप्लाई करते हैं, उसके अलावा किडनी को भी सप्लाई करते हैं। तो पूरा मैंने जो है आपको बेसिक आइडिया दे दिया देखो मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हर ऑर्गन में कि हर ऑर्गन का जो है ना पर्टिकुलर नर्व रूट क्या होता है अपने सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम को सप्लाई करने का, क्योंकि अगर मैं आपको वो बताने लगूंगा तो अपनी ये वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और आप इंडिविजुअल ऑर्गन के नर्व सप्लाई में, आप हार्ट में, लिवर में, जब आप एब्डोमिन के, जब आप एनाटॉमी पढ़ोगे तो आपको इंडिविजुअल नर्व सप्लाई आप अच्छे से डिटेल में आप वहां पे पढ़ोगे सिंपथेटिक और पैरा सिंपथेटिक के बारे में। मैंने आपको इस वीडियो में बेसिक आइडिया बता दिया ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं होगा कि सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम क्या होता है और पैरा सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम क्या होता है। तो कम से कम अब आपको पैरा सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम का ओरिजिन पता चल गया, सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम का अपना ओरिजिन पता चल गया, तो किस तरीके से ये जो है अपने नर्व के ट्रैक्स बनाती हैं और इनके गैंगलियन, ये सारी बातें मैंने जो है आपको बता दी। तो इससे हुआ क्या, आपको एक बेसिक आइडिया बन गया। तो जब आप एब्डोमिन पढ़ोगे, जब आप इंडिविजुअल ऑर्गन का नर्व सप्लाई पढ़ोगे तो अब आपको वो और अच्छे से समझ में आएगा। उसके अलावा मैं आपको क्या करता हूँ, अपना सिंपथेटिक चेन एक बार और दिखा देता हूँ। तो ये आप देखो ये अपना पूरा वर्टिब्रल कॉलम है और उसके जो साइड में आप ये जो पूरा चेन देख रहे हो ना, ये पूरा अपना होता है सिंपथेटिक चेन। तो इस तरीके से अपना सिंपथेटिक चेन दिखाई देता है
और पूरा ये जो फ्लो चार्ट जो है आप मेरी इंस्टाग्राम आईडी से जाके डाउनलोड कर सकते हो। और इंडिविजुअल अगर आपको कोई भी ऑर्गन पढ़ना है, लिवर, हार्ट, तो सारा वीडियो मैं जो है ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, वो वीडियो भी आपको ऊपर आई बटन पे मिल जाएगी। अगर वीडियो से हेल्प हुई तो वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि इसी तरीके से मैं सारी वीडियो लाने वाला हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।